फ्रेंड्स, क्या आप अपने यूट्यूब चैनल को किसी नए ईमेल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सालों से एक ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं और अब उनको ऐसे ज़रूरत महसूस होती है कि उनको नए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना चैनल चेंज कर देना चाहिए। तो वही प्रोसीजर पूरा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट जो है, चैनल अकाउंट है, वो ब्रांड अकाउंट में तब्दील करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपने चैनल को सबसे पहले ब्रांड अकाउंट कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो के अंदर कौन सा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये प्रोसीजर तकरीबन 7 दिन का रहता है। जब आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लेंगे तो जो नए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको कुछ पावर्स मिल जाएंगी अभी, जैसे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं और कुछ वीडियोज़ आप डिलीट भी कर सकते हैं, कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, ये चीज़ों की पावर आपको अभी से मिल जाएंगी, लेकिन आप ऑनर जो है तो 7 दिन बाद बनेंगे। तो वो सब कैसे होता है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और इस चैनल को हमको ट्रांसफ़र करना है अदर ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमको हमारे अकाउंट को ब्रांड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे ब्रांड अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, चलिए इस यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चैनल हमारे एक ही इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको अलग कर रहे हैं अब। तो चलिए अभी सबसे पहले देखिए, कस्टम चैनल के ऊपर चले जाना है हमको। मैंने ऑलरेडी इसको ब्रांड अकाउंट में चेंज किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको वो प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको जाना है सेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा परमिशंस, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए, यहाँ पर ब्रांड अकाउंट होने की वजह से यहाँ पर मैनेज परमिशंस का ऑप्शन हमको डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है मैनेज परमिशन के ऊपर। फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का बॉक्स आपको एक मिल जाएगा, तो अब आपको मैनेज परमिशन के ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ पर वो आपसे डबल आपका अकाउंट वेरीफाई करेगा, यानी आपसे मोबाइल पे किस आपको OTP भेजेगा, आपको आपका OTP वहाँ पर वेरीफाई करवाना है और फिर आपको ये डबल से यही स्क्रीन वापस मिलेगी। तो मैंने वेरीफाई करवा लिया था, इसलिए मुझसे नहीं पूछा है उसने। तो चलिए मैनेज परमिशन पर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइड में नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस का निशान है, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पर जो नया ईमेल एड्रेस हमको जिस पे चेंज करना है, तो वो हमको ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए मैं मेरा ईमेल एड्रेस इंटर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया हूँ। अब हमको ये दो ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऊपर वाला हम चुन लेंगे और आप देखिए यहाँ पर कि चूज़ अ रोल, क्या रोल करना है। तो आपको ऑनर बनाना है, मैनेजर बनाना है या कम्युनिकेशन मैनेजर बनाना है। तो हमको ऑनर बनाना है क्योंकि हमको डायरेक्ट ईमेल एड्रेस ही चेंज करना है, तो इसलिए हम ऑनर पे क्लिक करके इनवाइट कर देंगे। देखिए, हमने इनवाइट कर दिया है और यहाँ पर ये देखिए इनवाइट यूज़र और यहाँ पर देखिए प्राइमरी ऑनर जो हम पहले है वो है और उसके बाद में नया जो हमने इन्वाइट किया है वो भी ऑनर बन गया है, लेकिन ये प्राइमरी ऑनर नहीं है, हमको प्राइमरी ऑनर इसको बनाना है और इसको लगते हैं तकरीबन 7 दिन। तो चलिए इसको डन कर देते हैं। अब जो ईमेल एड्रेस हमने इसमें एंटर किया था, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर ये एक मैसेज भेजेगा। तो चलिए वहाँ पर जाकर अब हम इसको इसको बंद करते हैं। इस ईमेल को लॉग आउट करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे नए ईमेल के ऊपर जो हमने बनाया था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जिस पर ट्रांसफ़र किया है, हमने उसके ऊपर अभी देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन मंग रहा है, यानी ये वेरीफाई कर रहा है हमारे फ़ोन नंबर को, तो इसको वेरीफाई कर लेंगे हम। कंफर्म हमने कर दिया है, अब हमारा ईमेल ये खुल रहा है क्योंकि नया ईमेल एड्रेस है, इसलिए कंफर्म कर रहा था। देखिए यहाँ पर हमको एक मेल मिला है उसी की तरफ से जहाँ से हमने इसको भेजा है, तो ये एक इन्विटेशन है, इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है, इस चैनल की तरफ से हमको ऑनर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो हमको यहाँ पर एक्सेप्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, यानी हमने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम मैनेजर में आ गए हैं, लेकिन हम चैनल को हैंडल नहीं कर सकते अभी। ठीक है, अगर हम यहाँ मैनेजर पर क्लिक करें,
उसी जगह पर हमारे जाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको आ रहा है कि डियर टूरिस्ट, जो नया हमने बनाया है यहाँ पर ऑनर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको प्राइमरी ऑनर करते हैं अभी और ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पर आ गया, प्राइमरी ऑनरशिप कैन ओनली ट्रांसफ़र टू यूज़र हु हैज़ बीन मैनेज फॉर मोर देन 7 डेज, यानी 7 दिन तक के हमको मैनेज करना है इस चैनल को एज अ ओनर, प्राइमरी ऑनर नहीं। फिर 7 दिन बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी 7 दिन बाद हमको ये पावर मिल जाएंगी कि हम प्राइमरी ऑनर बन सके। फिर हम प्राइमरी ऑनर बनेंगे और इस ईमेल एड्रेस की सेटिंग्स में जाकर हम इसको, जो पुराना अकाउंट था उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम प्राइमरी ऑनर बन जाएंगे तो हमको इतनी पावर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर 7 दिन वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो ईमेल चेंज किया था तो हमको अब तकरीबन 20 से 25 दिन हमको हो गए हैं। हालांकि 7 दिन में आप चेंज कर सकते हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो चलिए जल्दी से अब हम देखते हैं कि हमको कैसे चैनल को अदर ईमेल के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये लास्ट स्टेज है हमारी, तो हम वापस सेटिंग में जाएंगे। पहले हम ये चैनल ओपन कर देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चैनल, ये हमारे पुराने ईमेल के ऊपर है। तो यहाँ पर हम जाकर फिर परमिशंस पर हम जाएंगे और यहाँ पर जो मैनेज परमिशन पे हम क्लिक करेंगे। मैनेज परमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर आ गया मैनेज परमिशन। तो यहाँ पर अब हम मैनेज परमिशन के ऊपर डबल से क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आपके चैनल को ये वेरीफाई करेगा, यानी आपको डबल से यहाँ पर आपका पासवर्ड वगैरह एंटर करना है। यहाँ पर हम पासवर्ड हमारा एंटर कर देंगे दोबारा। ये हमारा पुराना ईमेल है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर सिंबल से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है हमारे मोबाइल से, क्योंकि 2-स्टेप वेरीफिकेशन ऑन है हमारे मोबाइल पर, इसलिए तो ये करना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। चलिए कोड मेरे मोबाइल पर आएगा, अब आ गया है। ये कोड मैंने इंटर कर दिया हूँ, अब हमको फुल परमिशन मिल जाएंगी, अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है और अब मुझे सिर्फ ओनर चेंज करना है। देखिए यहाँ पर आ गए हम, अब हम मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा पुराना अकाउंट है और ये हमारा न्यू अकाउंट है। तो ये पुराने अकाउंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्राइमरी ऑनर यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है आपको और नीचे ऑनर है। तो अब हम जो नीचे वाला है इसको हम प्राइमरी ऑनर कर देंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर दे रहा है कि आपकी जो है तो ये चैनल ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके ऊपर, ऐसा बता रहा है यहाँ पर। अब ये क्या क्या पावर्स इसको मिल जाएंगे तो यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर देखिए ऐड डिलीट अदर ऑनर, यानी ये अदर ऑनर को डिलीट कर सकता है, चेंज अकाउंट परमिशन कर सकता है, डिलीट दिस अकाउंट कम्प्लीटली, यानी टोटल पावर इसके हाथ में आ जाएंगी। तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है हमारा चैनल, प्राइमरी ऑनर जो है तब ये डियर टूरिस्ट हो गया है और यहाँ पर ये जो पुराना था ये ऑनर हो गया हमारा। तो हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो नया ईमेल हमने बनाए थे हम उस पर जाएंगे और वहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में अब सब पावर आ गए हैं। तो हम पुराना अकाउंट को वहाँ से रिमूव कर देंगे तो सिर्फ हम सिंगल ऑनर रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से अब यहाँ से इसको रिमूव, पहले तो लॉग आउट यहाँ से होता हूँ मैं और नया अकाउंट ओपन करता हूँ। अब हमको यहाँ पर से चैनल पे जाना है, यूआर चैनल, यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम चैनल के अंदर और यहाँ पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर हम जाएंगे परमिशंस के अंदर, यहाँ पर हम मैनेज परमिशन पे क्लिक करेंगे। फिर ये दोबारा वेरीफाई करेगा आपसे, कोड मांगेगा, ये प्रोसेस फिर से चलेगा हमारा जो पहले हमने किए थे। ठीक है, मैनेज परमिशन पे क्लिक फिर करेंगे हम। ये दोबारा आप साइन इन करेगा, आ गया, देखिए आप दोबारा साइन इन का आ गया है, यानी ये वेरीफाई कर रहा है क्योंकि ये हम डायरेक्ट चैनल चेंज कर रहे हैं, बड़ी चीज़ है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया हूँ अपने मोबाइल को इससे।
ठीक है। अब मैनेज परमिशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब कि डियर टूरिस्ट जो है तो ये प्राइमरी ऑनर है और ग्रीन जू लाइफ जो है तो ये ऑनर है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो ऑनर है इसको यहाँ से हमको रिमूव कर देना है। रिमूव, ठीक है। अब हम सिर्फ अकेले रह गए हैं, जो हमारा पुराना ईमेल एड्रेस था वो पूरी तरीके से हट गया है और हमारा चैनल नए ईमेल एड्रेस के ऊपर पूरा 100% आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे विजिट करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।